हेलो गाइस, मेरा नाम है फ्रैंकलिन और आप लोग देख रहे हैं फ्रैंकलिन जोशी व्लॉग्स। तो कैसे हो भाई लोग, आप सभी को वेलकम बैक हो गए फिर से ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वाले वीडियो के अंदर अपन लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5 एज अ व्लॉगर। तो यार, आप लोगों ने ना रियल लाइफ व्लॉग्स तो देखे होंगे, बट गाइस हम लोग बना रहे हैं GTA 5 के अंदर व्लॉग्स। और यार, ये जो सीरीज है ना, ये कंटिन्यू रहने वाली है। जैसे एक व्लॉगर के व्लॉग्स आते रहते हैं ना, इसी तरह यार फ्रैंकलिन के बिना आपको व्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो यार, इसके लिए आप यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को दबा दो। यार, जैसे ही न्यू व्लॉग आएगा ना फ्रैंकलिन का, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो देरी किस बात की, यार फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग है, तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार मैं आपके लिए ना काफी मजे के व्लॉग लेकर आऊंगा। यार, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन, अपनी सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और मेरी क्या रूटीन होने वाली है। यार फिलहाल टाइम हो रहा है 12। यार अभी फिलहाल मेरे साथ है मेरे दोस्त का बेटा। यार इसने कोई न्यू कार ली थी, यार उसी टाइम ही इसने कार का कबाड़ा निकाल दिया। यार मैं इसके साथ आया था इसकी कार सेट करवाने के लिए। यार क्योंकि मुझे ना कार के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसीलिए यार मैं इसके साथ आया था। यार अभी फिलहाल इसकी कार को मैंने घर छोड़ा, क्योंकि यार ये जो कार है ना, ये मेरी अपनी नहीं है। मैं अभी आपको अपने घर लेके जाऊंगा, अपनी सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। यार इसीलिए फटाफट यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, यार जैसे ही न्यू व्लॉग आएगा ना आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली गाइस, मैं इसे लेकर पहुंच गया हूं इसके घर के पास। मैं अपने दोस्त से कुछ बातें करनी है यार, उसके बाद मैं आपको ना मिलता हूं। तो यार मैंने अपने दोस्त से गपशप लगा लिया। तो यार ये जो पीछे की तरफ बाइक देख रहे हैं ना, यार यही है मेरी बाइक। तो अभी यार ये तो मेरी बाइक है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और यार अब ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना घर। बेसिकली यार ये जो मेरा घर, जिस घर में मैं अभी फिलहाल रह रहा हूँ ना यार, वो मेरा घर अपना नहीं है, वो मैंने रेंट पे लिया हुआ है। फिर चलो कोई नहीं, मैं फटाफट से आपको लेकर चलता हूँ अपने घर के पास। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर के पास। तो भाई साहब, ये है मेरा घर। तो यार ये जो आप कार देख रहे हैं, ये फिलहाल मेरी नहीं है। बेसिकली ये जो कार है ना यार, ये मेरे फ्रेंड की है, क्योंकि यार मेरा जो फ्रेंड है ना, वो भी मेरे साथ ही रहता है। मतलब एक टाइप से ना हम पार्टनर है। तो यार मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक की जगह ना ये वाली बाइक ले लो, क्योंकि यार ये मुझे काफी अच्छी लग रही है। चलो कोई नहीं यार, मैं आपको ना छोटा सा अपने घर का टूर देता हूँ। सो गाइस, मेरा घर पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है, बाकी यार मुझे तो ये घर ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और यार इस घर में ना मैं अकेला नहीं रहता, मेरा एक दोस्त भी रहता है जिसका नाम है लमार। और यार हम दोनों ने पार्टनरशिप की हुई है, ये आधा आधा किराया देते हैं। यार ये जो औरत है ना, ये मेरे दोस्त लमार की ना आंटी है। बाकी यार आप चेक करो भाई साहब जी, ये वाला एरिया काफी अच्छा है। तो यहाँ पे कभी कभी मतलब के बैठ के टीवी वगैरह देख ली, और भी मतलब मैचेस वगैरह देख लिए। और आगे की तरफ आते हैं तो यार ये है मेरा डाइनिंग रूम। मतलब कभी बैठ के खाया तो नहीं इसके ऊपर, बट यार ये वैसे बनाया हुआ काफी ज्यादा मस्त है। और इधर की तरफ आते हैं तो आपको दिख जाती है हमारी किचन, जो कि फिलहाल काफी गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिलता यार सफाई करने का। बाकी यार मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो भाई साहब जी, ये हमारा स्टोर रूम। यहाँ पे कुछ पेंट वगैरह कुछ दिन पहले हमने कराया था घर के ऊपर, तो बाकी यहाँ पे उसकी बाल्टियां वगैरह पड़ी है। और थोड़ा सा आगे की तरफ आए तो यार ये है लमार का रूम, आप लोग देख पा रहे हो, इसने काफी सजा कर रखा हुआ है। चलो कोई नहीं यार, यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ से सामने की तरफ आपको एक और गेट दिख जाएगा। अभी यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि यार बाहर की तरफ ना कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती है। अब आपकी मोस्ट वेटेड चीज, मेरा रूम। तो भाई साहब जी, ये है मेरा रूम। तो यार ये काफी घटिया लग रहा है, मुझे पता है, क्योंकि यार मैंने सफाई वगैरह नहीं की। यहाँ पे जो भी चीज मैं यूज करता हूँ वैसे ही फेंक देता हूँ। पीसी वगैरह पड़ा, PS4 वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, बट यार टाइम ही नहीं मिलता खेलने का। यहाँ पे एकदम मिरर वगैरह है। तो यार आप लोग देख रहे हो ना यार, मेरे जो कपड़े है ना, वो कुछ खास नहीं लग रहे। यार इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना आज ना कुछ कपड़े वगैरह खरीदे जाए। और बाकी यार यहाँ पे मेरी कुछ बुक्स वगैरह यूनिवर्सिटीज की पड़ी, क्योंकि यार जब मैं पहले पढ़ता था ना, उस टाइम की बुक्स मेरे पास अभी पड़ी है। और कोक की बोतल भी भाई सब्जी पड़ी है, टाइम ही नहीं मिलता सफाई करने का। चलो कोई नहीं यार, फटाफट से बाहर निकलते हैं। और यार मैं अपने दोस्त लमार को कॉल करता हूँ। और भाई सब जी, टाइम क्या हो गया तेरा? अभी शाम के 7 बज चुके हैं तेरा। अब कपड़े खरीदने में तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए यार मैं सोच रहा हूँ मैं अपने बाल वगैरह कटवा लूँ। यार मेरे दोस्त की जो कार है यार, वो काफी मस्त है। मैं फटाफट से लमार को कॉल करता हूँ यार, उससे ना पूछता हूँ कि यार मैं कार ले जाऊँ या नहीं। बेसिकली यार वो मुझे मना तो नहीं करेगा, बट यार वैसे भी पूछना जरूरी है, क्योंकि यार उसकी ही कार है ना, इसलिए यार फटाफट से उसे कॉल मिलाते हैं। तो ये लमार, इसे फटाफट से कॉल कर देते हैं।
तो फाइनली गाइस यार मेरे दोस्त से बात हो चुकी है और यार उसने कहा चलो ठीक है तुम कार ले जा सकते हो। फटाफट से यार कार के अंदर बैठते हैं एंड बाकी तो यार आप लोग कार चेक करो, मैं इसकी साइड से आपको दिखा देता हूँ यार कितनी ज्यादा मस्त हुई पड़ी है। यार मैं सोच रहा हूँ ये कार खरीद लूँ मैं, लेकिन यार अभी फिलहाल इतना पैसा नहीं है कुछ पैसा वगैरह कमाने, क्योंकि यार मैं गाँव से इसीलिए आया हूँ, आपको पता नहीं कि मैं पहले गाँव में रहता था, तो यार यहाँ पे मैं कुछ पैसा वगैरह कमाने के लिए आया हूँ, इसीलिए यार कोई काम वगैरह करेंगे यार उसके बाद भाई साहब जी जाके ना अपनी कोई कार लेंगे। बाकी तो यार मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा, लेकिन यार अभी फिलहाल रात हो रही है, मुझे फटाफट यार अपने बाल कटवाने जाना है और यार यहाँ पे लॉस सैंटोस में यार रश काफी ज्यादा, मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यार मेरा जो दोस्त है ना उसके इलाके में तो काफी कम रश था, बट यार यहाँ पे आप लोग देखो भाई साहब जी भर भर के गाड़ियां खड़ी हुई हैं। चलो कोई नहीं यार वेट करते ग्रीन सिग्नल का। ओह भाई साहब जी फाइनली ग्रीन सिग्नल हो गया, फटाफट यार जाते हैं बार्बर की शॉप पे अपने बाल वगैरह कटवाने के लिए। फाइनली गाइस मैं पहुंचूंगा बार्बर शॉप पर, फटाफट से नीचे उतरते हैं तो यार फटाफट से दुकान के अंदर जाते हैं। तो यार बाकी तो यार आप लोग देख पा रहे हो यार दुकान काफी ज्यादा मस्त है ये। चलो कोई नहीं यार फटाफट से अपने बाल वगैरह कटवाते हैं। तो यार आप सोचोगे यार मेरे बाल वैसे ही छोटे से हैं, लेकिन यार मैंने सोचा कुछ हेयर स्टाइल बना लिया जाए इन छोटे से बालों का, बाकी यार ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोई नहीं यार फटाफट ये वाला हेयर स्टाइल बनवाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ अपनी लुक। तो फाइनली गाइस यार आप लोग देख पा रहे हो यार काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। तो यार हेयर स्टाइल तो मैंने करवा लिया, लेकिन यार आपको मैं अब टाइम दिखा देता हूँ। तो यार मुझे लमार का भी मैसेज आया, शायद वो कार मांग रहा है, लेकिन यार अभी 10 बज चुके हैं यार, मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है। तो यार आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप यार आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। यार अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो यार फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो यार, ऐसे ही ना हम काफी मजे मजे के व्लॉग लेके आने वाले हैं। और यार जैसे व्लॉग वगैरह मतलब घूमने के लिए जाते हैं वैसे हम भी जाया करेंगे, और नए नए कपड़े और काफी मस्त मस्त वीडियोस आने वाली हैं इस व्लॉग सीरीज में। यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और जैसे ही न्यू व्लॉग आएगा ना यार आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और खतरनाक व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।